जी वकास साहब, तुसी इहना पढ़ोगे द हाउस ऑन गार्डन तो ठीक है, प्लीज इन पढ़ो ते नाल कोशिश करो कि तर्जमा भी अगर नाल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्लीज लेसन सी बेटे, और कोशिश करो कि तर्जमा भी नाल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है जनाब। वीर हाबन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਹੋ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਹੋ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੋਕ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਨ ਕਿਊਲਨ, ਕਿਊਲਨ ਮੇ ਇਮ ਦ੍ਰਿਟਨ ਸਟੋਕ, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੇ ਸਟੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਨੁੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਕ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੋਨੁੰਗ ਇਸ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਨ ਕੋਲਾਨ ਇਮ ਇਮ ਡ੍ਰਿਟਨ ਸਟੋਕ जी। ਤੀਜਾ ਸਟੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਯਾ ਦੀ ਵੋਨੁੰਗ ਇਸ 100 ਕੁਆਡਰਮੀਟਰ ਕੁਆਡਰਮੀਟਰ ਯਾ ਗਰੋਸ ਉਂਡ ਹਾਰਟ ਹਾਰਟ ਆਇਨਮ ਅਟਨ ਬਲਕੋਨ ਯਾ ਭਾਈ ਦੀ ਵੋਨੁੰਗ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਕੋਨੀ ਹੋਈ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਸਾਲ 1000 ਯੂਰੋ ਵਾਰ ਮਿਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਟਸ ਜ਼ੁਹਨ ਵੀਅਰ ਆਇਨ ਹਾਊਸ ਮਿਟ ਗਾਰਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਅਰ ਸਵਾਈ ਕਿਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਪਲਾਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਿੰਡਰ ਨੇ हाँ जी ब्रोकन प्लाट्स के उन्होंने जगह चाहिए है। ठीक है, जी ब्रोकन प्लाट्स का मतलब है कि उन्होंने जगह चाहिए है। ठीक हो गया, ओके ठीक है। हाँ जी अगे है वोनुंग, ठीक है अभी तुसी पढ़ दो क्योंकि आज तो पहले हरमेश अज्जे बारे पढ़ चुके ने जी। तुसी तुसी वकार साहब वाइटा लेजन जी बेटे उबर उबर दी वोनुंग जी जी ठीक है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਰਤਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਓਗਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਇਨ ਹਾਊਸ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜੀ ਜੀ ਰਾਇਨ ਹਾਊਸ ਗਨਾਓ ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਇਨ ਹਾਊਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਨ ਹਾਊਸ ਪਲਾਟ ਸਭ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਹਾਊਸ ਰਾਟ ਸਪਾਈਨ ਸਟੋਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ यानी के दो मंजिला ने ओदियां ओके स्टोक वेर के उनके अच्छा दो मंजिला ने जी इस ऐसे ईस्ट 180 क्वार मीटर ग्रोस ऑन आर्ट ऑफ फोक ऑफ फनफ जिमर ठीक है जी ये जेड़ा है ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਸਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜਾ 80 ਮੀਟਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਨਾ ਆਈਲੈਂਡ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਿੱਟ ਹੈ ਇਹ ਈਸਟ ਹੀਅਰ ਈਸਟ ਫਰ ਹਾਈ ਰਾਤਤ ਔਂਡ ਵੋਨ ਹੀਅਰ ਇਨ ਸਟੁਟਗਾਰਟ ਹਾਂ ਏਅਰ ਇਸਟ ਫੇਰ ਹਾਈ ਰਾਟੇਟ ਏਅਰ ਇਸਟ ਫੇਰ ਹਾਈ ਰਾਟੇਟ ਵੋ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਉਨ ਵੋਂਟ ਯੈਟਸ ਇਨ ਸਟੁਟਗਾਰਟ ਔਰ ਵੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੁਟਗਾਰਟ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨ ਵੋਂਟ ਯੈਟਸ ਇਨ ਸਟੁਟਗਾਰਟ ਵੋ ਅਭੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੁਟਗਾਰਟ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਨਾਬ ਵੀਅਰ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਆਈਨੇ ਵੋਨਕ ਇਨ ਸਟੁਟਗਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਲੱਭਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤਰੇ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਦਰਾਏ ਜ਼ਿਮਰ ਜ਼ਿੰਡ गेंगन नहीं जनाब गिनूक द्राय सिमर जिन गिनूक यानी गिनूक का मतलब क्या होता जनाब गिनूक का मतलब होता है भाई इतना ही बड़ा है कहां इतना ही बड़े ने तीन कमरे ही बड़े ने सानू काफी ने गिनूक मैंने इनफ ने सानू काफी ने यानी के ठीक है ओके आगे हरमेश आप पढ़ेंगे जनाब हाउस इन ड्रेस्टन इसके बारे में आप पढ़ेंगे हरमेश हरमेश जी हाँ जी हरमेश यहाँ पे आप बताएं जिंड क्यों इस्तेमाल हुआ है आप वकास साहब को रेरन सी बिटे वारूम श्राइबन हियर जिंड जी
हां जी कमरे चूंकि ज्यादा ने दराई सिमर ने तो जिंद आएगा ना ठीक है तीन कमरे हैं ठीक है अगर होंदा कि एक कमरा है तो आइन सिमर इस टोना सी फिर ठीक है क्योंकि कमरे तीन ने दराई सिमर जिंद आया ऐसा वास्ते जिंद आया ठीक है जनाब ओके हां जी जिंद ओके समझ आ गई विकास साहब जनाब ठीक है ओके आगे हाउस इन ड्रेस्टन जी हरमेश किधर चले गए आप हरमेश साहब लेसन जी बेटे दी नेक्स्ट बेटे हाउस इन ड्रेस्टन जी ड्रेस्टन में घर जी पढ़े हाउस इन बर्लिन ब्रूहेन इन द नेह फोन कोलन दस हाउस इज अन 100 स्क्वायर मीटर ग्रोस देयर गार्डन ओन्ड दी रासे सेंट शेयर ग्रोस ओन्ड शोन Strassen in their Zets Arbeiten via in Dresden und via brauchen eine Haus in Dresden. Wir haben vier Kinder, wir brauchen sechs Zimmer und eine आईने ठरासे या गेनाओ हमें एक तो या तो कहता है एक बड़ा बाग चाहिए और आईने ठरासे या एक ठरासे चाहिए हमें ठीक है तो जनाब ये है इसके बारे में ठीक है कि दो तीन मुख्तलिफ किस्म की जो यहां पे वर्ण गए हैं उसके बारे में उसने बात की है ठीक है तो वो हमने पढ़ लिया है अब हम अगले सफे पे आ जाए जनाब अगला सफा आपके पास क्या है जनाब देखें अगले सफे के ऊपर आपने खाली जगह पूर करनी है जनाब ओके खाली जगह कैसे पूर करनी है कि वैसे ये ऑलरेडी की हुई है किसी ने ठीक है ऊपर कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं ग्रोस ग्यूनस्टिच ड्रिटनस्टॉक जिमर और हेल ठीक है तो जी वकास साहब पढ़े इसको पहले आप कैसे इसको फिलअप करेंगे इसको जी एनू पेज रूते करो ना अगले पेज से आ जाओ जी जनाब हाँ जी अच्छा भाई दोबारा डुंकल नो डुंकल मैंने निराउंड है भाई तो अच्छा मैंने रोशनी अच्छा अच्छा अगले एक मिनट अगला सफा केड़ा है ताड़े कोल मेरे को से दूसरा सफा एक मिनट ठहरना मैं जरा चेक कर लें तो ताड़े कोल केड़ा सफा आ गया अगला अच्छा अगले वोकैबुलरी दे कुछ अल्फाज नहीं ताड़े कोल नहीं नहीं इस पेज उत्ते करो ना मैं जड़ी खाली जगह कह रहे हो पहले वो पढ़ लिए नहीं इस पेज नु थोड़ा जे उत्ते करो हरमेश आपको मिल गया हाँ जी ये जो हमने अभी पढ़ा ना इसके नीचे आगे खाली जगह पूर करनी है वो देखें हाँ जी वो ही पढ़ रहे हैं ना ये भाई साहब हाँ जी पढ़े जी वकास साहब दोबारा पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे हाँ जी मैंने वोन अगेस्ट जी गनुस्टिक सस्ती है भाई ठीक है जी को सत 400 औरो मीटे उन्ने नेबल को सत जी क्या मतलब जी कोस्टेड फिर हाँ जी क्या मतलब है भाई जेड़ा भाई जेड़ी साड़ी बोलेंगे वो सस्ती है जी कोस्टेड यानी कि उसकी कीमत 400 यूरो है ना अच्छा यहाँ पे जी कोस्टेड आया है जी होता है फेमिनिन दी के लिए इस्तेमाल होता है ना तो वोनुंग चूंकि दी है दी फेमिनिन है तो यहाँ पे आप जी आया है यहाँ पे आपको पता नहीं जी यहाँ पे क्यों आया है जी कोस्टेड यानी उस वोनुंग की जो कीमत है वो 400 यूरो है जी का मतलब है वोनुंग जी कोस्टेड फिर 100 यूरो उसकी कीमत 400 यूरो है यानी उसका किराया जो है ठीक है ओने नेबर कोस्टन यानी नेबर कोस्टन के बगैर उसका जो किराया है जो कीमत है वो 400 यूरो है ठीक है मीटे आगे चले जी ईस्ट मीटर ग्रोथ वडी है भाई उनजेर हेल पर ज्यादा रोशनी हो दी भाई एंड जड़ा ना हां जी ज्यादा रोशन है ठीक है जनाब आगे जी हार्ट स्वाए जिमर भाई ओदे दो कमरे ने आयन बोनक जिमर आयन शलाफ जिमर एक जड़ा
इस कोसते थे आत्म डोरो मिटने ओके मिट नेबर कोस्टन या ओके जी ईस्ट उंगे फिर 100 क्वाड मीटर ओके जेशन देयर एल वो ने जी रोबोट क्लियर जिमर आईने बोन जिमर ओंड द्राय शलाब जिमर ओके आइन को है और नाइन बात जेशन इश वो नेम एस ए स्टोक ओके गुड ओके जेशन ठीक हो गया ओके तो मैं यहां पे आपके साथ कुछ अल्फाज हैं ठीक है गेगेंटाइल गेगेंटाइल का मतलब होता है जो ओपोजिट अल्फाज होते हैं एक दूसरे के मुखालिफ अल्फाज जो होते हैं ना ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ओके क्लाइन का उल्ट क्या लिखा हुआ है वकार आप पढ़ेंगे प्लीज ओके नीचे पढ़ते जाएं आप प्लीज आगे नीचे सारे पढ़ते जाएं जी ठीक है हैसलिश ना आ उमलाउट है तो बनेगा हैसलिश ओके आगे आगे आल्ट मैंने जेड़ा प्राणा ते न्यू द मॉडर्न हां नोए नोए कहेंगे ना न्यू कहते हैं इंग्लिश में नोए ओडा ओडा मॉडर्न या नया या जदीद ठीक है आगे कॉल्ट में ठंडा से वार्म मैंने गरम छा गया जेशन आगे जनाब यानी के खामोशी सुकून या लाउट मैंने शोर या ऊंचा ते रूहिश मैंने यानी सुकून या ठीक है रूहिश ठीक है ओके हरमेश अगले लफ्ज प्लीज आप पढ़ेंगे जी सर हेलो और डोंकल हेलो होता है थोड़ा लाइट वाला डोंकल होता है अंधेरे वाला थोड़ा डार्क अच्छा एक इंग्लिश में भी हेल होता है उसके भी ये स्पेलिंग है यार पता है इंग्लिश में भी एक हेल होता है उसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में भी एक हेल होता है जिसका मतलब होता है गो टू हेल कहते हैं ना हम इंग्लिश में एक हेल होता है जिसको हम कहते हैं भाई गो टू हेल क्या मतलब होता है इसका वाला दोजख जहन्नम में जाओ एक इंग्लिश में जो हेल होता है ना उसका मतलब है दोजख जहन्नम कहते हैं भाई जा दोजख से जा मेरे गो टू हेल कहते हैं ना इसमें ये मतलब गो टू हेल अच्छा तो ये लफ्ज मैंने कहा चले लेकिन स्पेलिंग सेम ही है लेकिन ये जो जर्मन का जो हेल है ये होता है जिसका मतलब होता है रोशनदार यानी के ठीक है लेकिन इंग्लिश का जो हेल होता है उसका मतलब होता है दोजख गो टू हेल ठीक है ओके एनीवे ये बीच में एक लफ्ज मैंने एक्स्ट्रा आगे आपको बता दूं ओके आगे क्या कहता है जनाब अगला लफ्ज क्या है ठीक है गिम्यूटलिस ऑन गिम्यूटलिस आरामदायक ऑन बेरामदायक हाँ जी गिम्यूटलिस होता है सर आरामदायक ओके बिकवेम और उन बिकवेम या दोनों का मतलब होता है कंफर्टेबल आरामदेह या गैर आरामदेह ठीक है अगला क्या है जनाब लफ्ज आरामदेह यानी कि आरामदेह बड़ा सुकून वाला आरामदेह यानी कंफर्टेबल दोनों का मतलब ये सेम ही है गम्यूटली जी जैसे आप कुर्सी के बजाय सोफे पे बैठ जाते हो उधर आप बोलते हैं ना वो आरामदायक है आरामदेह ओके द सोफा इज वेरी बिकवेम ना कि ये सोफा जो है बड़ा बिकवेम है ये नाउ जी आगे जी अगला लफ्ज क्या है अल्ट्रासाउंड होता है सर फर्क नहीं नहीं ये लफ्ज क्या है इंट्रासांट ना इंट्रासांट इंटरेस्ट हाँ इंटरेस्ट या जब दिलचस्प यानी बड़ा दिलचस्प है इंट्रासांट है ओके आगे लाग वालिश हाँ लांग के दस या दस फिल्म देर फिल्म इज जेर लांग वालिश की ये फिल्म बड़ी लांग वालिश है ठीक है देर फिल्म इज जेर इंट्रासांट ठीक है कि ये फिल्म बड़ी दिलचस्प है ओके तो दस बुख इस जेर लांग वालिश की यह किताब ये बड़ी बोरियत वाली किताब है ये जुमले आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं ओके आगे स्वाय बे के ऊपर जब आप आते हैं तो एक छोटा सा डायलॉग है ठीक है इसमें दो पर जोन आपस में पढ़ेंगे ठीक है पहला जुमला एक बंदा पढ़ेगा दूसरा उसका जवाब देगा ठीक है तो पहले लेफ्ट वाला पढ़ना है फिर दाएं वाला पढ़ना है आपने ओके
जी वकार आप शुरू करें प्लीज, कैसे शुरू करेंगे? स्वाइप बे जी जी वकार चलें ये पढ़ लें, ठीक है इसको पढ़ लें, लेजन जी दी व्योटर लाउट के ये जो अल्फाज हैं इनको ऊंचा पढ़ें, पढ़ें इन अल्फाज को प्लीज, कैसे पढ़ेंगे? नहीं, जो पहले वो अल्फाज पढ़े ना, पहले वो अल्फाज पढ़ें, दी वोनुंग नीचे लिखे हुए, दी वोनुंग लिखा हुआ कि नहीं? जी हाँ दी नेबन कोस्टर, 10 बाट उन दी क्यूशे, ठीक है क्यूशे कहना है इसको आपने, दी क्यूशे ना, ओके। आगे एक छोटा सा मिनी डायलॉग है, प्लीज इसको पढ़ेंगे आप, मिनी डायलॉग जो इसको पढ़ेंगे, ओके जी। वकार आप शुरू करें प्लीज, कैसे शुरू करेंगे? स्वाइप बे जी जी वकार चलें ये पढ़ लें, ठीक है इसको पढ़ लें, लेजन जी दी व्योटल लाउट के ये जो अल्फाज हैं इनको ऊंचा पढ़ें, पढ़ें इन अल्फाज को प्लीज, कैसे पढ़ेंगे? नहीं, जो पहले वो अल्फाज पढ़े ना, पहले वो अल्फाज पढ़ें, दी वोनुंग नीचे लिखे हुए, दी वोनुंग लिखा हुआ कि नहीं? जी हाँ दी नेबन कोस्टर, 10 बाट उन दी क्यूशे, ठीक है क्यूशे कहना है इसको आपने, दी क्यूशे ना, ओके। आगे एक छोटा सा मिनी डायलॉग है, इसमें दो पर जोन आपस में पढ़ेंगे, ठीक है पहला जुमला एक बंदा पढ़ेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, ठीक है तो पहले लेफ्ट वाला पढ़ना है फिर दाएं वाला पढ़ना है आपने, ओके जी। वकार आप शुरू करें प्लीज, कैसे शुरू करेंगे? स्वाइप बे जी जी वकार चलें ये पढ़ लें, ठीक है इसको पढ़ लें, लेजन जी दी व्योटल लाउट के ये जो अल्फाज हैं इनको ऊंचा पढ़ें, पढ़ें इन अल्फाज को प्लीज, कैसे पढ़ेंगे? नहीं, जो पहले वो अल्फाज पढ़े ना, पहले वो अल्फाज पढ़ें, दी वोनुंग नीचे लिखे हुए, दी वोनुंग लिखा हुआ कि नहीं? जी हाँ दी नेबन कोस्टर, 10 बाट उन दी क्यूशे, ठीक है क्यूशे कहना है इसको आपने, दी क्यूशे ना, ओके।